नमस्कार है आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? ज़रूर अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ, कामरूप की अप्सरा भाग दो। यह कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर झांसी का विदेश, जिसका ट्रांसफ़र कामाख्या माँ की नगरी असम में हो जाता है, और वहाँ एक अप्सरा के प्रेम जाल में विदेश फंस कर रह जाता है, अपनी पत्नी, अपनी माँ, घर परिवार सभी को त्याग देता है, क्योंकि वह अप्सरा के प्रेम जाल में इतना फंस जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता वापस आने का नहीं होता। उसकी पत्नी गर्भवती होती है, विमला, जो जैसे तैसे अपने पति की सलामती के लिए यह समझौता कर लेती है कि वीरेश चाहे उसके पास ना रहे, लेकिन इस दुनिया में तो रहेगा। इसलिए वह सब्र करके इंतज़ार में बैठ जाती है और समय बीतता जाता है। फिर 20 साल बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि विमला का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है? तो चलिए कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कहानी कामरूप की अप्सरा भाग दो। 20वां जन्मदिन था वह विनोद का। माँ की देखरेख और अथक परिश्रम ने उसे एक भरपूर नौजवान के रूप में परिणत कर दिया था। गणित और ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का उसने विशेष अध्ययन किया था। कभी कभी वह सोचता, माँ क्यों उसे इन सब विद्याओं को पढ़ने के लिए कहती है, इन्हीं तो आजकल बहुत ही कम लोग पढ़ना चाहते हैं। एक दिन उसने माँ से आखिर पूछ ही लिया, माँ गणित तो ठीक है, लेकिन यह ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का अध्ययन आखिर किस लिए? आजकल कौन पढ़ता है इन विद्याओं को? इस पर विमला कहती है, क्या तू औरों जैसा है बेटा? मैं जो मार्ग तुझे दिखा रही हूँ वह कभी निरर्थक नहीं होगा, यह तू एक दिन अवश्य ही समझेगा। और विनोद चुप रह गया था। हमेशा वह सभी कक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करता रहा था और अब IPS की तैयारी कर रहा था। यह भी उसकी माँ की ही इच्छा थी। अपने जन्मदिन की पार्टी उसने एक दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ कर ली थी, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो दयानंद आज सुबह ही अपने घर के लिए निकलने वाला था। दयानंद उसका सहपाठी और परम मित्र था। उसके पिता पंडित धर्मानंद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। दयानंद के साथ साथ वे विनोद का भी मार्गदर्शन किया करते थे। वह उन्हें अपना गुरु मानता था और एक बार उनसे मिलने जाना चाहता था, परंतु आज उसके जन्मदिन के ही दिन उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी अपनी माँ से मिलने वाला था, जिसकी प्रतीक्षा में उसने अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए थे। अब वह बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई थी, इसलिए उसने दयानंद के साथ उसके गांव जाने का विचार कैंसिल कर दिया था और उससे बाद में मिलने का वादा करके उसे विदा कर दिया था। चल कोई बात नहीं, पर फ़ोन ज़रूर करते रहना यार, तेरे साथ की आदत सी पड़ गई है हमें, जल्दी नहीं छूटेगी है आदत, दयानंद ने जाते समय बस में बैठने पर कहा था। आदत छुड़ानी ही क्यों है, जल्दी ही हम फिर मिलते हैं, कहकर विनोद ने उसे विदा किया और घर लौट आया। अपने कमरे में लेटा वह अनेक विचारों में उलझा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक की कितनी ही स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर नृत्य कर रही थी। बहुत छोटा सा था वह, उसने अपने निकट सदा दादी और माँ को ही पाया था। एक दिन पड़ोस के बच्चे की बातें सुनकर उसने घर आकर माँ से पूछा था, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? यह पिताजी कहाँ से याद आ गए आज तुझे? बताओ ना माँ, वह दीपू है ना, उसके पापा उसके लिए चॉकलेट लाते हैं, खिलौने लाते हैं, कपड़े लाते हैं, वह भी तो दूर शहर में रहते हैं, जब भी आते हैं दीपू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं, उसे घुमाने भी लेकर जाते हैं। हमारे पापा तो कभी नहीं आते माँ, वह बहुत दूर काम करते हैं बेटा, तुम्हारे लिए मैं जो कुछ भी लाती हूँ उसके लिए पैसे वही तो भेजते हैं, वह खुद क्यों नहीं आते माँ?
क्या वह हमसे प्यार नहीं करते? नन्हे से विनोद ने विमला से पूछा। बहुत प्यार करते हैं बेटा वो हमसे, हम सबको इतना प्यार करते हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन उनकी नौकरी ही ऐसी है कि उन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती, माँ ने उसे समझा दिया था। और फिर जब वह 8 वर्ष का हुआ और उसने कक्षा 5 में पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब घर लौटने पर भी माँ ने उसे बहुत सारे खिलौने, किताबें और चॉकलेट दी थी। यह सब, उसने पूछना चाहा, यह सब तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में। क्या पापा आए हैं? कहाँ हैं वह? विनोद ने बहुत ही खुश होकर उछलते हुए पूछा। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आ सके, लेकिन जल्दी ही वे तुमसे मिलने आएंगे, माँ ने समझाया। विनोद ने देखा दादी आंचल से आंखें पोंछती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। दादी, रो रही हो क्या? विनोद ने पूछा। तेरी बातें सुनकर उन्हें भी तो अपने बेटे की याद आ जाती है ना, इसलिए। माँ, पापा को चिट्ठी लिख दो, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं उनको, वे कम से कम हमसे एक बार तो मिलने आए, विनोद ने मचलते हुए कहा। ठीक है बेटा, लिख दूंगी, कहकर माँ ने उसे सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। इससे अधिक वह अपने विषय, पिता के विषय में कभी नहीं जान सका। हाँ, एक बार स्कूल से लौटने पर उसने अपने घर में एक अपरिचित व्यक्ति को देखा था। दादी उससे बात करती जाती और रोती भी जा रही थी। तब माँ ने उनका परिचय कराया था। विनोद, यह तेरे पापा हैं बेटा। पापा? विनोद चकित सा देखता रह गया था वीरेश को। इतने सुंदर हैं उसके पापा? वह उनके सीने से लग गया था। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते पापा? छोड़ दीजिए वह नौकरी, दूसरी नौकरी कर लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे साथ तो रहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन यहाँ नौकरी मिल जाए तो छोड़ दो ना, वीरेश ने समझाया। हाँ पापा, बहुत मज़ा आएगा तब। हाँ मेरे बच्चे, उस दिन पापा ने उसे बहुत प्यार किया, बहुत सी चीज़ें लाकर दी और खाना खाकर उसे अपने साथ सुला लिया। सुबह उठने पर उसे घर में पापा नहीं दिखे, तब तक वह बहुत रोया। तब माँ ने उससे वादा किया था, तू बड़ा हो जा बेटा, जब तू 20 साल का हो जाएगा तभी मैं तेरे सब सवालों का उत्तर दूंगी, तभी तू अपने पापा की मजबूरी को समझ सकेगा। बस तभी से विनोद को प्रतीक्षा थी अपने 20वें जन्मदिन की, जिससे वह अपने पिता के संबंध में सब कुछ जान सके। और आज वही बहु प्रतीक्षित दिवस था। घर पहुंचने पर उसने माँ को उसके जन्मदिन के लिए उसकी पसंद की वस्तुएं बनाते देखा। दादी वहीं उनकी मदद कर रही थी। कपड़े चेंज कर वह भी रसोई में जा पहुंचा। ले कुछ खा ले, तेरा दोस्त तो चला गया ना, माँ ने पूछा। हाँ चला गया माँ, उसके पिता बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा और कुंडली दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान है उन्हें, विनोद ने बताया। अच्छा, हाँ माँ, चेहरा देखकर भूत भविष्य सब कुछ बता देते हैं, ऐसी ही प्रसिद्धि है उनकी, मैं भी जाकर एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक कह रहा है तू, एक बार ऐसे सिद्ध ज्योतिषी से ज़रूर मिलना चाहिए। माँ, मैं उनसे मिलने दयानंद के साथ चला जाता, किंतु आज मुझे आपसे भी बहुत कुछ पूछना था, इसलिए। मुझसे क्या पूछना था? माँ चकित हुई। वही जो आपने मेरे 20 वर्ष के होने के बाद ही बताने का वादा किया था, पिताजी के विषय में, माँ, विनोद बोला। ओह, तो इसलिए तू दयानंद के पिता से मिलने नहीं गया? हाँ माँ, यह प्रश्न मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अब आप आज तो बताएंगी ना माँ मुझे सब कुछ, विनोद ने अधीर होकर पूछा। हाँ पुत्र, एक ही दिन की तो बात रही है अब, माँ मुस्कुराई।
एक दिन भी नहीं माँ, आज मैं 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ। अब एक भी पल की देरी मुझसे नहीं सही जाएगी। कहते कहते विनोद के नेत्र छलछला आए। अब बता भी दो ना माँ, उसने आग्रह किया। हाँ बहू, कह दे सब कुछ, शायद पुत्र ही पिता का उद्धारक बने। तेरी इतने वर्षों की तपस्या कभी तो पूर्ण होगी ही, दादी बोली। माँ ने आंखें पोंछते हुए कहना प्रारंभ किया, तो सुन बेटा, इस बात को 20 वर्ष बीत चुके हैं। तब तू मेरे पेट में आया ही था, जब तेरे पिता वीरेश का तबादला असम के दफ्तर में हो गया। हमारी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि वे वहाँ जाएं, परंतु प्रमोशन होने के कारण तुम्हारे पिताजी नहीं रुके। जाते समय वे कह गए कि कोशिश करके जल्दी ही वहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराकर वापस लौट आएंगे, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो सका। वह वहाँ जाकर ऐसे जाल में फंस गए कि लौट कर आ ही नहीं पाए। जितना ही वे उस जाल से छूटने का प्रयत्न करते, उतना ही वह और ज़्यादा उलझते जाते थे। तब उन्होंने अपने ऑफिस में लिख कर दे दिया था कि उनका 3/4 वेतन सीधे मेरे पास भेज दिया जाए। वही धन हमारे जीने का संबल बना बेटा, उसी के सहारे हम अपना जीवन बिताते रहे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब उसी धन से होता आ रहा है अब तक, माँ ने बताया। और पिताजी? तुम्हारे पिताजी अभी भी वही काम कर रहे हैं। हर माह जो उनका वेतन कटकर हमें मिलता है, उसी से हमें यह आश्वासन भी मिल जाता है कि वे जीवित और सकुशल हैं, अन्यथा। कहते कहते दादी रो पड़ी। शांत हो जाइए माँ जी, भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है, माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा। तेरी ही हिम्मत है बहू, जो इतने वर्षों से हम दादी पोते को संभाले हुए हैं। तूने तो 20 वर्ष का वनवास काट लिया है, अब तक न जाने कभी इसका अंत होगा या नहीं। दादी ने ठंडी सांस ली। मुझे पापा के विषय में बताइए माँ, क्यों नहीं लौटे वो? कैसा जाल है वह जिसमें वो फंस कर रह गई, विनोद ने अधीर होकर पूछा। वह जादू का जाल है विनोद, तंत्र मंत्र का बंधन है जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे हैं, माँ बोली। कैसा जादू, कैसा तंत्र मंत्र? सुन बेटा, तेरे पिता यहाँ से जाने के बाद कुल 2 बार लौट कर आए थे। पहली बार बड़ी कठिनाई से वे 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आए थे, तब तू मेरे गर्भ में था। आने पर उन्होंने कामरूप की जादूगरनियों की बात बताई थी। तभी उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें वहाँ की एक जादूगरनी ने अपने जादू के जाल में फंसा लिया था, और वे चाहकर भी उस जाल से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। 6 दिन किसी प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिताए और 7वें दिन वापस लौट गए। वे रुक ही नहीं सके। क्यों माँ, क्यों नहीं रुक सके पिताजी, विनोद ने पूछा। क्योंकि यदि वह रुक जाते तो शायद वे जीवित ही नहीं रह पाते, माँ ने बहुत ही हिम्मत करके कठिनाई से यह बात विनोद को बताई। क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही है उस जादूगरनी का जाल। और दूसरी बार वह तब आए थे जब तू 8 वर्ष का हो गया था, तभी पहली बार उन्होंने तुझे देखा था। उस बार वे माँ की बीमारी का बहाना करके आए थे 4 दिनों के लिए। जाते समय बहुत तड़पा उनका हृदय, फूट फूट कर रो पड़े थे वो, लेकिन रुक नहीं सके। मैं असम जाऊँगा माँ, अपने पिताजी को वहाँ से अवश्य वापस लेकर आऊँगा, विनोद ने दृढ़ स्वर में कहा, कुछ देर सोच विचार करने के बाद। क्या करेगा तू, कैसे ला पाएगा वीरेश को, दादी ने पूछा। कुछ भी करके, जैसे भी होगा लेकर आऊँगा मैं अपने पिताजी को, विनोद ने एक बार फिर से दृढ़ स्वर में अपनी दादी और माँ को विश्वास दिलाया। तू तो असम के विषय में
कुछ भी नहीं जानता बेटा, फिर कैसे करेगा तू यह सब? जान जाऊंगा, पहले असम के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूंगा। तुम मुझे पिताजी के विषय में जो भी जानकारी हो बता दो, उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, बहुत सोच समझ कर प्रयत्न करना होगा। तुम्हें पहले अपनी पूरी तैयारी करनी होगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसी दिन के लिए तो मैं तुम्हें तैयारी करा रही थी। तुम पूछते थे ना कि तुम्हें ज्योतिष और तंत्र शास्त्र क्यों पढ़ा रही हूँ। हाँ माँ, उसकी उपयोगिता तो अब सिद्ध होगी, इसी के लिए तो तुम इतने वर्षों से मुझे तैयार करती रही हो माँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, विनोद ने कहा। अवश्य करूँगी विनोद बेटा, पहले तुम कामरूप के विषय में तथा माता कामाख्या देवी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लो। अगले सप्ताह हम सब तुम्हारे मित्र दयानंद के घर उसके पिताजी से मिलने के लिए चलेंगे, विमला ने धैर्यपूर्वक समझाया। विनोद को भी माँ की बातों में सार नजर आया और वह अपने अध्ययन में जुट गया। एक सप्ताह बाद वह दयानंद के गांव के लिए और माँ दादी को साथ लेकर चल पड़ा। इसके लिए उसने पूर्व में ही दयानंद को पत्र भेज दिया था, जिससे वह अपने पिताजी से उनके विषय में बात कर सके। बेलवाई एक बहुत छोटा सा स्टेशन, जहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए ही रुकती थी। वहाँ ट्रेन से उतरने पर उन्हें स्टेशन पर ही दयानंद मिल गया, जो उनके लिए तांगा तय कर चुका था। बेलवाई से लगभग 1 घंटे की यात्रा तांगे से करने के बाद वे उसके घर पहुँचे। घर पर उसके पिताजी, माताजी और एक छोटी बहन बिंदी थी। पंडित जी ने स्वागत करते हुए उन्हें विश्राम के लिए दयानंद के कमरे में भेज दिया, जहां बिंदी और उसकी माँ ने दयानंद के द्वारा उनके जलपान की व्यवस्था की। अब पिताजी से 8 बजे के लगभग ही मुलाकात हो सकेगी, तब तक वह पूजा में मिलेंगे, ऐसा ही निर्देश है उनका, दयानंद ने बताया। आप लोग तब तक भोजन आदि से निपट कर विश्राम कर लीजिए, यात्रा की थकान भी दूर हो जाएगी। पंडिताइन ने बहुत ही स्नेहपूर्वक बोली में भोजन के बाद दयानंद, बिंदी और पंडिताइन भी उन्हीं के पास आ गए थे। दादी एक और बस खट पर लेट गई, शेष सभी लोग पृथ्वी पर चटाई बिछाकर तकिया लेकर लेट गए। इधर उधर की बातें होने लगी। दयानंद की माँ ने बताया, दयानंद एक ही पुत्र है हमारा, पिता के साथ ज्योतिष और तंत्र भी सीख रहा है, लेकिन अभी इसकी शिक्षा अपरिपक्वता के अधिक निकट है। गांव में अच्छा नाम है पंडित जी का, आसपास के 5 गांव में यही ही पूजा का पाठ करवाते हैं, और फलित कुंडली बनाने का काम तो इनसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। और दयानंद, विमला ने पूछा, वह अभी बच्चा है, कुंडली बना लेता है लेकिन फल बांचने में कमी है, बिना अभ्यास के यह विद्या नहीं आती ना, कहकर वे हंस दी। बातों ही बातों में उन्होंने बताया, अब आप लोग 1-2 दिन रहकर ही वापस जाइएगा, यहाँ ठहर कर गाँव का भी कुछ आनंद लीजिए। यहाँ शंकर जी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, उनकी बड़ी मान्यता है, बहुत शक्ति है भोले बाबा में। पास में ही अमृत सरोवर है, उसमें स्नान करके शिवजी को जल चढ़ाकर जो भी उचित कामना हो आप मांग लीजिए, वह आपकी अवश्य ही पूरी होगी। आप लोग भी अपनी कामना कह दीजिए उनसे, बड़ी महिमा है शिव बाबा की। और वह चोरों वाली बात भी बताओ ना माँ, बिंदी ने बड़े आग्रह से अपनी माँ से कहा, तो वे हंसकर कहने लगी, हाँ हाँ वह भी कहूँगी। कैसी चोरों वाली बात? विनोद ने जिज्ञासा प्रकट की। कहते हैं मंदिर में एक रात 2 चोर घुस गए थे, मंदिर में और कुछ तो मिला नहीं, फर्श पर जो चांदी के सिक्के जड़े हुए थे उन्हें ही निकालने की कोशिश करने लगे। शिवजी की ऐसी महिमा कि सिक्के तो नहीं निकल पाए और वे अपनी आँखें गंवा बैठे, अंधे होकर दीवारों से रात भर टकराते रहे,
सुबह मंदिर खोलने पर भक्तों ने उन्हें पकड़ लिया, तब सारी बातें उन्हीं से सबको ज्ञात हुई थी। उन्हें तो जेल भेज दिया गया होगा ना, विमला ने पूछा। नहीं बहन, चोरी तो हुई ही नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने कहा, उनके अपराध का दंड तो स्वयं भोले बाबा ने ही उनको दे दिया है, अब इससे अधिक इन्हें क्या दंड मिलेगा। और उन्होंने चोरों को छोड़ दिया। अद्भुत, हाँ बड़ी अनोखी कथा है। मंदिर में प्रवेश करने पर स्वयं उस अनादि रुद्र की शक्ति का अनुभव होने लगता है, दयानंद ने श्रद्धापूर्वक कहा। हम अवश्य दर्शन करने जाएंगे वहाँ, शायद हमारी व्यथा कथा उन्हें भी द्रवित कर दे। अब तो भगवान का ही आसरा है बहन, कहकर विमला फूट फूट कर रोने लगी। अधीर मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भोलेनाथ की प्रेरणा ही आपको यहाँ तक लाई है, तो आगे भी कल्याण ही होगा, पंडिताइन ने उन्हें आश्वस्त किया। दिन बातों ही बातों में बीत गया। रात हुई तो बिंदी की सहायता से पंडिताइन ने भोजन तैयार कर लिया। पूजा घर में 8:30 बजे के लगभग पंडित जी ने उन्हें बुलाया। कमरे में एक और चौकी पर शिवजी का पूरा परिवार विराजमान था। धूप दीप से सारा कमरा महक रहा था। श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करके वे सामने बिछे आसन पर बैठ गए। पंडित जी ने विनोद को सामने बैठा कर उसके मस्तक की रेखाएं देखी, दोनों हथेलियां उलट पुलट कर देखी और फिर बोल उठे, जय हो माँ, आज तो तुम्हारा भक्त ही आया है मंदिर में, उसकी मनोकामना पूर्ण करना। फिर वह विनोद की ओर उन्मुख हुए। अपने पिता के लिए चिंतित हो ना, उनका उद्धार तुम्हारे ही हाथों होना है बेटा। माँ कामाख्या की शरण ग्रहण करो, तुम्हारी समस्या का समाधान वही करेंगी। परंतु मुझे तो उनके विषय में ज्ञान ही नहीं है, विनोद बोला। उनके विषय में जानने के लिए उतना ज्ञान पर्याप्त है, साधना के लिए किसी गुरु का आश्रय लेना होगा। साधना कठिन होती है, उसे करने के लिए धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता होती है, उसके साथ ही गुरु का निर्देशन व आशीर्वाद भी परम आवश्यक है। कर सकोगे, पंडित जी ने पूछा। आपका आशीर्वाद मिले तो अवश्य कर सकूँगा, मैं अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। विनोद ने पंडित जी के चरणों में अपना सर रख दिया। उठो वत्स, आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया ना, विनोद ने भरे कंठ में पूछा। हाँ पुत्र, तुम्हारे जैसा समर्पित शिष्य क्या सहज में ही मिल जाता है, किंतु ध्यान रहे, गुरु को दक्षिणा भी देना अनिवार्य होता है, उसके बिना सिद्धि नहीं मिलती। पंडित जी मुस्कुराए। आप आदेश दीजिए, मैं शक्ति भर आपको दक्षिणा देने का प्रयत्न करूँगा, विनोद ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा। वादा करते हो? अवश्य गुरुदेव। गुरुजी से क्या छुपाना, गुरु मेरी सामर्थ्य जानते हैं ना आप, उसी के अनुसार दक्षिणा मांगेंगे, इसका मुझे विश्वास है। यह सुनकर पंडित जी हंस पड़े। उचित है, 2 दिन यहाँ रहकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करो और फिर परिवार को झांसी छोड़कर मेरे पास वापस लौट कर आना। हम विनोद के बिना वहाँ कैसे रहेंगे, माँ विमला से व्याकुल होकर पूछती है। विनोद को तो आप लोगों से कुछ दिनों के लिए दूर ही रहना होगा बहन, यह आपके पति को मुक्त कराने के लिए ही है, विनोद ही उनको उस जादू के जाल से बचा कर लाएगा, इसका विश्वास रखिए। तब तक हम यहीं बेलवई में ही रहकर एक घर लेकर यदि रह जाएं तो यह अनुचित है, यह 1 या 2 महीने का काम नहीं है, आप वहाँ से हटेंगी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका वेतन का अंश भी नहीं मिलेगा, मनी ऑर्डर लौटने पर आपके पति चिंतित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में यदि कुछ अकल्पनीय कर बैठे तो। नहीं, यह उचित नहीं, आप दोनों वहीं रहें, यही ठीक होगा, बीच बीच में संभव होने पर विनोद जाकर आप लोगों से मिल लिया करेगा, वैसे दयानंद आपके संपर्क में ही रहेगा,
आप विनोद की चिंता ना करें, वह अब मेरे आश्रय में है। माँ कामाख्या सब देखती हैं, अपनी संतान का भी अहित नहीं होने देती। मैं शीघ्र ही आपका काम पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। पंडित जी के समझाने पर विमला मान गई। 4 दिनों में उन्होंने उस छोटे से ग्रामीण परिवेश का आनंद लिया और शिव मंदिर जाकर मनोती भी मांग ली। विनोद उन्हें लेकर झांसी लौट गया और उनकी आवश्यकता के अनुसार 6 महीने की खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुएं घर में लाकर रख दी। दादी और माँ का आशीर्वाद लेकर वह पुनः बेलवई अपने गुरु के निकट पहुँच गया। इस मध्य दयानंद उसके साथ ही रहा। पंडित धर्मानंद पहुँचे हुए सिद्ध हैं, इसका बोध तो विनोद को उनका सानिध्य मिलने पर ही अनुभव होने लगा था। शुभ दिन देखकर सर्वसिद्धि योग में पंडित धर्मानंद ने विनोद की साधना प्रारंभ करा दी। उन्होंने उसे 5 दिनों तक उससे पद्मासन में बैठा कर 3-3 घंटे तक गणपति मंत्र तथा गुरु मंत्र का जप करने का अभ्यास कराया और इसके बाद 3रे दिन ओम एम ह्रीम क्लीम नमः मंत्र का जप करने का निर्देश दिया। पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ओम शब्द पर ब्रह्म है और एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र, इसी प्रकार ह्रीम महालक्ष्मी तथा क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। माँ सरस्वती सर्वप्रथम बुद्धि प्रदान करके विवेक को जागृत करती हैं। महालक्ष्मी धन्य धान्य व साधनों की आपूर्ति बनाए रखती हैं और माँ महाकाली सर्वसिद्धिदायिनी हैं। वह शत्रु का विनाश करने वाली महान शक्ति हैं। स्त्री होने के कारण दया करुणा और सहानुभूति उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इन तीनों महाशक्तियों की अनुकंपा ही तुम्हें सिद्धि की ओर ले जाएगी। गुरु का आदेश मानकर विनोद ने 3 दिनों तक 5-5 घंटे एक आसन पर बैठकर मंत्र का जप कर उसे सिद्ध कर लिया। 4थे दिन से गुरु पंडित धर्मानंद ने उसे 3 दिनों तक केवल जल पी कर रहने का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, साधना कठिन है किंतु यह भविष्य के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। यह ध्यान रखना कि तुम्हें जिससे टकराना है वह स्वयं तंत्र साधिका है। यह याद रखोगे तभी उससे अधिक साधनाएं कर सकोगे। 3 महीने की कठोर तप पूर्ण साधना के पश्चात विनोद को लेकर असम की ओर प्रस्थित हुए। उनकी मंजिल माँ कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ था। असम की राजधानी दिसपुर के निकट पहुंचकर सुरम्य नीलांचल पर्वत पर स्थित माता कामाख्या का मंदिर और उसके निकट बहती ब्रह्मपुत्र नदी की धारा न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। माता कामाख्या का यह मंदिर, कहते हैं सती की मृत देह को जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया था तब उसके 51 भाग हो गए और वे पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर पड़े। वे सभी स्थल माता के सिद्ध शक्तिपीठ कहलाए। नीलांचल पर्वत पर माता का योनि भाग गिरा था, अतः यह सिद्ध तांत्रिक पीठ हुआ। विश्व भर में तांत्रिकों और साधकों की यह साधना स्थली है। जब पंडित धर्मानंद विनोद के साथ वहाँ पहुँचे तब वहाँ अम्बुवाची पर्व चल रहा था। विचित्र है यह अम्बुवाची पर्व, जो अधार्मिक को भी माता के अस्तित्व का विश्वास दिला देता है। प्रत्येक वर्ष 3 दिनों के लिए माता की योनि मुद्रा में बहता जल रक्त वर्ण हो उठता है। प्रतिदिन पुजारी द्वारा उस पर श्वेत वस्त्र डाल दिया जाता है। उनके रक्त वर्ण हो जाने पर उन वस्त्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वस्त्र का टुकड़ा मनुष्य को सभी मानवेतर योनियों से तथा तांत्रिक मांत्रिक प्रयोगों से सुरक्षित रखकर धन्य धान्य संपन्न बनाए रखता है। अद्भुत सौंदर्य है मंदिर का, भयावह भी और सम्मोहक भी। स्थान स्थान पर विभिन्न तांत्रिक व साधक अपनी अपनी साधनाओं में संलग्न दिखाई देते हैं। सभी स्वयं में मस्त,
संसार उनके लिए उपेक्षणीय हो जाता है। सिद्धि और केवल सिद्धि ही उनका उद्देश्य बन जाती है। जो वहाँ जाकर माता की कृपा से अल्पकाल में ही वह प्राप्त हो जाती है। मंदिर में पहुंचकर पंडित धर्मानंद ने परिसर के एक कोने में ठहरकर अपनी लाठी और झोली रख दी। वे विनोद से बोले, आज का दिन तो निकल गया, कल और परसों दो दिन का समय है हमारे पास। इन दो दिनों में तुम्हें माता का रक्त वर्ण वस्त्र अवश्य प्राप्त कर लेना है। ऐसा तभी संभव होगा जब माता की कृपा तुम पर होगी। अतः माँ से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें अपना वह दिव्य प्रसाद प्रदान करे। जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे दिन प्रातः ही विनोद दर्शनार्थी के रूप में पंक्ति में लग गया। उसे वस्त्र रूपी प्रसाद की इच्छा थी। पुजारी जी ने प्रसाद के छोटे छोटे टुकड़े बांटने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में वस्त्र के सभी टुकड़े वितरित हो गए। विनोद को भी निराशा ही हाथ लगी। उदास होकर वह पंडित जी के निकट लौट आया, नहीं मिला। उन्होंने पूछा, विनोद ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया। तो जाओ आज रात मन लगाकर माँ की आराधना करो, विनती करो, उनसे कृपा पाने के लिए प्रार्थना करो। निराश विनोद उस दिन केवल जल पीकर ही रह गया। रात प्रहर भर ही बीती थी जब वह वहीं पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गया। मन ही मन वह प्रार्थना करने लगा, माँ कृपा करो, अपने इस पुत्र को निराश मत करो। माँ, मेरी माँ ने पति के रहते हुए भी वर्षों तक उनसे वियुक्त होकर कष्ट झेला है। आप भी तो माँ हैं ना, उस अबला के कष्ट का निवारण आप ही कर सकती हैं। दया करें, जय माता की। माँ कामाख्या, दया करो, कृपा करो, कृपा करो हे माँ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ के कठिन कष्टमय जीवन की यादें उसे तड़पाने लगी और कातर होकर वह बारंबार माता कामाख्या को पुकारने लगा, दया करो माँ, कृपा करो माँ, माँ अपने पुत्र की रक्षा करो माँ, अपने पुत्र की सहायता करो। पूरी रात एक आसन पर बैठकर माँ से विनती करते हुए बीत गई। दूसरे दिन पुजारी जी ने वस्त्र बांटना आरंभ कर दिया। तब तक भी वह ध्यानस्थ था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सारे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। माँ, चीख कर उसने आंखें खोल दी। देखा बगल में पुजारी जी स्वयं खड़े हैं। उनके हाथों में माता का रक्त वर्ण प्रसाद वस्त्र था। उस टुकड़े को विनोद की गोदी में डाल दिया। विनोद के नेत्रों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने वस्त्र को उठाकर मस्तक से लगा लिया। धन्यवाद, धन्यवाद माता, आपकी करुणा अपार है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, कहकर विनोद ने पलट कर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, पुजारी जी का कहीं पता न था। तो क्या उसने उन्हें सपने में देखा था? किंतु सपना नहीं था वह, उसके हाथ में प्रसाद का वस्त्र था, वह सपना नहीं था। विनोद ने पुनः माता का धन्यवाद किया और पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। वस्त्र पाकर गुरु जी प्रसन्न हो गए। अब यह समझो कि तुमने आधा समर जीत लिया है। विनोद, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, माँ कामाख्या हैं, अब सब ठीक होगा, आओ चले। उसी दिन वे असम के उस छोटे से नगर की ओर चल दिए जहाँ वीरेन का ऑफिस था। वह स्थान वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था। जाने से पूर्व पंडित जी ने कुछ आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदी जिनके विषय में विनोद कुछ भी नहीं जानता था। उन वस्तुओं को लेते समय वे उसका नाम भर बता रहे थे। उन सब में मुख्य थे पीली सरसों के दाने, रोली, चंदन, धूप, गूगल, सिंदूर की डिबिया, एक मंगलसूत्र भी लिया था उन्होंने और थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं थीं जिनका विनोद को नाम भी ध्यान नहीं रहा। जब वे वहां पहुंचे
तब शायद चारों तरफ से अजीब सी गंध घिर आई थी। चारों ओर मौसमी फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी। शाम के धुंधलके में भी इधर उधर बिखरे घरों दे जैसे घर और टपरी वाली दुकानें अपना आभास करा रही थी। वह रात उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बिताने का निश्चय किया। वहीं एक दुकान पर थोड़ा पोहा और दही गुड़ मिल गया। वही खाकर दोनों एक बेंच पर सो रहे थे। सोए क्या, गुरुजी के सोने पर विनोद उनके पैरों के पास बैठा माँ को याद करता रहा। पिता से मिलने की उत्सुकता में उसका हृदय उद्विग्न हो रहा था। रात सोते जागते बीत गई। सुबह वहीं वह नित्य क्रिया से निपटकर उन्होंने स्नान कर लिया। हमें तुम्हारे पिता के दफ्तर जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा यह आगमन वीरेश के कानों तक न पहुँचे, पंडित जी ने कहा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पिता इतने वर्षों में पूरी तरह पराधीन हो गए होंगे। ऐसे में हमारे आने की बात यदि उसे स्त्री तक पहुँचती है तो वह सतर्क हो जाएगी और हमारा मार्ग भी अधिक कंटक का किरण हो जाएगा, उन्होंने समझाया। जैसा आप उचित समझें, आओ हम पहले वहीं चलते हैं। हमें उनके अधिकारी से मिलना होगा, वह हमारी सहायता कर सकते हैं। दोनों वीरेश के ऑफिस तक पहुँचे। तब सुबह के 9 बज रहे थे। ऑफिस खुला नहीं था, केवल एक चौकीदार द्वार पर था। दोनों उसके निकट पहुँचे। पंडित जी चौकीदार के पास पहुँचकर उसका ललाट देखकर बहुत कुछ बताने लगे। वह उनसे प्रभावित होकर पैरों में गिर पड़ा। आप तो सर्वज्ञ हैं महाराज, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। वह तो बाद में हो जाएगा, यह बताओ यहाँ के मुख्य अधिकारी कौन है इस समय, पंडित जी ने पूछा। गांगुली महाशय, पूरा नाम है असित गांगुली। आप उनसे ही मिलने आए हैं ना? हाँ। कब तक आते हैं वो यहाँ? 11 बजे। मैं आपको उनके घर लिए चलता हूँ, कहकर वह अपना सामान समेटने लगा। कब से है वे यहाँ? 12 साल से। उनसे पहले शर्मा जी थे, मनमोहन शर्मा, उसने बताया। पंडित जी चुप हो गए। विनोद इस बीच मौन ही रहा। गांगुली महाशय का आवास वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर था। ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए इधर उधर बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य का पान करते हुए चौकीदार के पीछे पीछे उनके आवास पर पहुंच गए। अब तुम जाओ भाई, हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं, इसलिए तो बिना बताए आए हैं, पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। तो चौकीदार उन्हें प्रणाम करके लौट गया। उसके पर्याप्त दूर चले जाने पर पंडित जी ने अलख जगाई। अलख निरंजन, 2-3 बार आवाज़ देने पर द्वार खुल गया। द्वार खोलने वाली स्त्री संभवतः मिसेस गांगुली ही थी। उन्हें देखते ही पंडित जी उनका भूत भविष्य बताने लगे। कुछ ही क्षणों में वह प्रभावित दिखाई देने लगी। प्रणाम करके बोली, पधारिए बाबा, बड़े भाग्य हमारे जो हमारे घर में आपके चरण पड़े। परंतु गृह स्वामी गांगुली महाशय मेरे पति हैं, वे आपसे मिलकर वह भी प्रसन्न होंगे, मिसेस गांगुली ने उन्हें बैठक में बिठाया। तब तक गांगुली जी भी आ गए। पत्नी ने उन्हें एक कोने में ले जाकर न जाने क्या कहा कि वे आकर प्रणाम करते हुए बोले, स्वागत है महात्मा जी, आदेश दीजिए। पंडित जी कुछ देर इधर उधर की बातें कर उनसे ऑफिस की जानकारी लेते रहे, फिर कहने लगे, आपके ऑफिस में एक बहुत पुराना और योग्य कर्मचारी है, उसका नाम वह अक्षर से आरंभ होता है। आपके कार्यालय के लिए वह बहुत शुभ है, इसलिए इतने लंबे अरसे से यहाँ टिका हुआ है। वह से जिनके नाम शुरू होते हैं, ऐसे तो यहाँ 3 कर्मचारी हैं, वेंकटेश, विमल और वीरेश। आप किसकी बात कर रहे हैं? इनमें सबसे पुराना जो है इस ऑफिस में उसी की। सबसे पुराना? हाँ, विमल और वेंकटेश तो 8-9 साल से यहाँ हैं, लेकिन वीरेश, हाँ वही,
वह मेरे आने से भी पहले से यहाँ है। 16-17 वर्षों से नहीं, 21 वर्षों से वह यहाँ। हाँ शायद ऑफिस के रजिस्टर से कंफर्म हो जाएगा। उसकी फैमिली? मैंने तो उसे हमेशा अकेला ही देखा है यहाँ, कभी कभी जाता भी नहीं, न कभी अपने घर परिवार की बात ही करता है। एक बूढ़ी माँ है उसकी, उसी के लिए उसकी सैलरी का एक बड़ा भाग हर महीने ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है कंपनी द्वारा, गांगुली ने बताया। यहाँ कहाँ रहता है? यही पास में ही कुछ क्वार्टर बनवाए हैं कंपनी ने ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए। जो अकेले रहते हैं वे लोग उन्हीं में से एक एक क्वार्टर लेकर रहते हैं। वीरेश भी उन्हीं में से एक में रहता है। कोई नौकर चाकर? नहीं, ऑफिस का चपरासी ही उनके छिटपुट काम कर दिया करता है, उन्होंने बताया। तब तक उनकी पत्नी ने कई व्यंजन लाकर मेज़ पर सजा दिए। ग्रहण कीजिए महाराज, यहाँ तो हम अतिथि की सूरत देखने को भी तरस जाते हैं। हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे घर पर अतिथि बनकर आए। उनकी वाणी श्रद्धा से पूर्ण थी। पंडित जी का संकेत पाकर विनोद ने भी खाना प्रारंभ कर दिया। खाने पीने के बाद उन्होंने पूछा, यहाँ कहाँ ठहरे हैं महाराज? अभी तो कहीं नहीं, माई के दरबार में हाजिरी लगाकर निकल पड़े इधर। पंडित जी बोले, आप चाहें तो एम्प्लॉई वाले क्वार्टरों में से अभी एक खाली है, उसे आप दोनों के लिए साफ करा दूँ। चौकीदार से कहूँगा तो वह सब व्यवस्था कर देगा, गांगुली ने कहा। क्या कहते हो बच्चा? पंडित जी ने विनोद से पूछा। जैसी आपकी इच्छा हो गुरुदेव, उसने तत्पर स्वर में कहा। ठीक है फिर, अगर आपको असुविधा न हो। कैसी असुविधा? मैं अभी भी चौकीदार को ही बोल देता हूँ। दिन में तो हम भ्रमण करेंगे, साय चौकीदार आपको मेरे ऑफिस पर ही मिल जाएगा। जैसी माई की व्यवस्था हो। अब हम चलते हैं, फिर पधारिएगा स्वामी जी, उनकी पत्नी ने आग्रह किया। माई चाहेगी तो अवश्य अपनी बहन से मिलने आएंगे। पंडित जी के कथन के गांगुली की पत्नी का मुख मंडल खिल उठा। उनकी श्रद्धा सहेजते दोनों वहाँ से प्रस्थान कर गए। सारे दिन वे उस छोटे कस्बे में भटकते रहे। उन्होंने चाय के बागान भी देखे और वह छोटी सी सबसे अलग थलग बनी झोपड़ियों वाली बस्ती भी, जो उस समय सुनसान नजर आ रही थी। दिन चढ़ आया था किंतु वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। उधर चलकर देखा जाए क्या गुरुजी? विनोद ने इस ओर ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, उधर जाना खतरनाक हो सकता है। हम दोनों पुरुष हैं और उस पर तुम युवा भी हो, ऐसे में हमारे लिए वह स्थान निरापद नहीं हो सकता, पंडित जी ने समझाया। तो अब चलो, उधर वह दूरी पर पहाड़ी की ऊंचाई पर कुछ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चलते हैं, कहकर पंडित जी उसी ओर बढ़ गए। विनोद ने भी उनका अनुकरण किया। वह बस्ती ऊंचाई पर होने के कारण यद्यपि देखने में निकट ही प्रतीत हो रही थी, किंतु पर्याप्त दूरी पर थी। ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चलकर लगभग एक घंटे के बाद वहां पहुंच पाए। 14-15 घर वहां पर पर्याप्त दूरी बनाए रखे हुए थे, उनमें कोई तारतम्य नहीं था। विनोद को आश्चर्य से उन घरों की ओर देखता पाकर पंडित धर्मानंद बोले, कभी तुम पहाड़ी क्षेत्र में नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। पहाड़ों पर ऐसे ही घर होते हैं, जिसे जरा सा चोरस चट्टान या स्थान मिला वहीं घर बना दिया, इसलिए ये ऊंचे नीचे और इधर उधर हटकर बने हुए हैं। फिर वे एक चट्टान पर बने घर के पास जाकर बोल पड़े, अलख निरंजन, क्या कोई साधु को मुट्ठी भर अन्न दे सकता है? कुछ देर बाद घर का द्वार खुला। एक युवक ने द्वार खोलकर उन्हें देखा। आप लोग साधु हैं बच्चा, मांगते खाते चलते हैं, माई के दरबार से इस ओर निकल आए, पंडित जी बोले। कौन है वहाँ? भीतर से किसी वृद्ध ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कोई साधु है बापू,
युवक ने उत्तर दिया, तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, अंदर बुला लें, थक गए होंगे पहाड़ पर चढ़कर। उसने कहा तो युवक उन्हें आदरपूर्वक घर में ले आया। एक कमरे का घर था वह। एक ओर एक टूटी खाट पर वृद्ध लेटा हुआ था। उन्हें देखकर वृद्ध उठकर बैठ गया। युवक ने भूमि पर चटाई बिछा दी और फिर उस पर एक कंबल भी बिछा दिया। पधारिए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा दूध ले आता हूँ, कहकर युवक एक पात्र लेकर घर से बाहर चला गया। कैसे हैं आप बाबा, क्या बीमार हैं, विनोद ने पूछा। बुढ़ापा ही सबसे बड़ा रोग है बेटा, वह बोला। चिंतित प्रतीत होते हैं, अपना कष्ट कहें, संभवतः मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पंडित जी ने ध्यानपूर्वक उसका चेहरा देखते हुए पूछा। चिंता ही चिंता है महाराज, यही एक बेटा है, पत्नी गुजर गई तो इसे ही सब बाहर भीतर का काम देखना पड़ता है। बच्चा समझदार है, पंडित जी ने कहा। हाँ, लेकिन जवान खून है, कभी कभी मनमानी कर बैठता है, इसलिए डर लगा रहता है। वह दक्षिण दिशा वाली बस्ती है, वह हमारे भय की जड़ है। कैसा भय, पंडित जी उत्सुक हुए। आपने देखी है वह बस्ती, छिटपुट झोपड़ियों वाली, उधर चाय के बागान के पीछे दक्षिण में, वृद्ध ने पूछा। हाँ, आते समय देखा था उसे, सुनसान सी है वह बस्ती, मुझे तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया, पंडित जी ने बताया। दिन भर सुनसान सी रहती है वह, वहाँ जादूगरनियाँ रहती हैं, उनका काम तो रात में ही होता है। जादूगरनियाँ, विनोद ने चकित होकर पूछा। हाँ, वे वहाँ उन झोपड़ियों में एक एक लड़कियाँ रहती हैं, सब खूबसूरत जैसे अप्सराएं हों, जवान और आकर्षक, देखे तो देखता ही रह जाए। और फिर कोई जाता नहीं ना उधर, जो जानते हैं वह नहीं जाते, जो उधर चले जाते हैं वह फिर लौटकर कभी नहीं आ पाते, वृद्ध बोला। ऐसा कैसे संभव है, ऐसा किसी ने देखा है क्या, पंडित जी ने पूछा। हाँ महाराज, तभी तो डरता हूँ, पहले मैं उसी कंपनी वाले दफ्तर में चपरासी का काम करता था। एक बार वहाँ एक बाबू आए थे, बड़े सुंदर, हंसमुख और घुमक्कड़, अकेले थे। मुझे उनका साथ भाग गया तो उनके लिए चाय वगैरह बना दिया करता था, अक्सर मेरे साथ ही घूमने निकल पड़ते। एक बार उस बस्ती को देखा तो मुझसे कहने लगे, मैंने मना किया उधर जाने के लिए। उस दिन तो वो उधर नहीं गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। वैसे भी इंसान को जिस बात के लिए मना किया जाता है उसके प्रति मन उतना ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, यह तो सच ही है। ऐसा ही हुआ उनके साथ भी, वहाँ जाकर वे किसी जादूगरनी की निगाह में ऐसा चढ़ गए कि बस यहीं के होकर रह गए, न ब्याह किया और न कभी यहाँ से वापस ही गए। पहले कहा करते थे सोमू दादा, मैं जल्दी ही यहाँ से अपना तबादला करवा लूँगा, लेकिन फिर जब तबादला हुआ भी तो उसे रद्द करवा दिया। कहाँ रहते हैं वह, विनोद ने पूछा। क्वार्टर तो वही है 13 नंबर वाला, लेकिन वहाँ रुकते नहीं, सुना है शाम होने पर उसी बस्ती की ओर चले जाते हैं, सोमू नामक वृद्ध ने सब कुछ बताया। तब तक उसका पुत्र दूध लेकर आ गया। जब वे दूध पी रहे थे तब सोमू ने पुनः निवेदन किया, आप तो साधु महात्मा हैं, आप हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं क्या, पहले उस संकट को तो हम समझ लें, पंडित जी ने कहा। वह अलग बस्ती में रहती है तो उस ओर ने जाकर उनसे बचा जा सकता है, कोई किसी को उन झोपड़ियों में कैसे कैद कर सकता है, ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन वे लोग युवकों को पशु पक्षी बनाकर बांध लेती हैं, वृद्ध ने बताया। सब बकवास है, क्या बापू आप भी कहाँ का किस्सा ले बैठे, युवक मदन उपेक्षा से बोला। सच कह रहा हूँ मैं, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है ऐसा सब होते हुए, वृद्ध सोमू तीव्र स्वर में कह उठा। क्या क्या देखा है आपने, विनोद ने चौंक कर पूछा। बहुत पुरानी बात है,
कई वर्ष पहले की, तब मैं 17-18 साल का ही रहा होऊंगा। मेरा एक मित्र था सरन, वह मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन पक्के दोस्त हुआ करते थे हम दोनों। फिर मदन की रुचि भी जाग गई। फिर उस समय हम लोग भी तुम्हारी तरह ही थे, जादू टोना भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा न करने वाले और हर नई चीज़ को खुद परखने की इच्छा करने वाले। मेरे बापू ने भी हमें ताकीद की थी कि कभी उस बस्ती की ओर न जाना। एक दिन इसी मदन की तरह सरन भी कहने लगा कि यह सब कुछ नहीं होता, सब हमारे दिमाग की झूठी कल्पना है। और फिर अपनी बात को सच साबित करने के लिए वह घर वालों को बिना बताए सुबह खेत की ओर निकला और मेरे लाख मना करने के बाद भी उस बस्ती में चला गया। हम रोज़ सुबह खेतों की ओर टहलने जाया करते थे। उसके जाने के बाद बहुत देर तक मैं उसका इंतज़ार वहीं रुक कर करता रहा, लेकिन दोपहर हो गई, वह घर नहीं लौटा। मैंने उसे उस बस्ती में घुसते हुए देखा था। उसके बाद वह निगाहों से ओझल हो गया। शाम होने पर जब वह नहीं लौटा तो मैं अकेला वापस घर आ गया। उसे सब ढूंढते ही रह गए, कहीं नहीं मिला। वह वृद्ध पुरानी बातों में गुम हो गया। बहुत प्यारा दोस्त था वह मेरा, लेकिन बापू इससे यह सिद्ध कैसे हुआ कि उसे बस्ती में जादूगरनियों ने कैद कर लिया है? मदन ने उत्तेजित होकर पूछा। हुआ ना, बाद में हुआ। कई दिनों के बाद एक दिन जब मैं उस बस्ती के निकट से जा रहा था, तब मैंने पिंजरे में एक तोते को देखा। पिंजरा एक झोपड़ी के सामने टंगा था। मुझे देखकर तोता चिल्लाने लगा, भाग जाओ, मैं सरन हूँ, भाग जाओ तुम। मैंने सुना वह सरन की ही आवाज़ थी जो मुझे देखकर पंख फड़फड़ा रहा था। उसी समय झोपड़ी के भीतर से किसी के आने की आहट सुनकर मैं भाग खड़ा हुआ। फिर सरन का क्या हुआ मैं नहीं जानता, वृद्ध सोमू ने कहा। यह कहकर उसने अपनी झलक आई हुई आँखों को पोंछ लिया। उसके बाद सरन को किसी ने भी नहीं देखा। वृद्ध की बातों ने सबको कुछ देर के लिए मौन कर दिया और फिर वह बाबू साहब भी तो यहीं के होकर रह गए, घर लौटकर नहीं जा पाए। अगर यह सब झूठ होता तो वे दोनों ही कहते कहते वह चुप हो गया। उसकी बातों ने पंडित जी और विनोद को भी चिंता में डाल दिया था। कुछ देर बाद उनसे विदा लेकर पुनः कंपनी के कर्मचारियों के क्वार्टर की ओर वो दोनों चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तब अंधेरा घिर आया था। एक क्वार्टर के पास उन्हें चौकीदार खड़ा दिखाई दिया, वह इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। विनोद ने देखा वह 9 नंबर का क्वार्टर था जिसमें चौकीदार ने उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। रात्रि के भोजन के लिए गांगुली महाशय की पत्नी ने हलवा पूरी और दूध भिजवा दिया था। चौकीदार उन्हें सब कुछ सहेज कर विदा देकर चला गया। तब पंडित जी ने अपना कार्यक्रम आरंभ किया। 10 बजे उन्होंने स्नान किया और कमरे के फर्श को साफ करके बीचों बीच चौक बनाया। उसके सामने त्रिकोण आकृति का हवन कुंड रख दिया और चौक पर एक और छोटा सा चंदन का पटरा रखकर उस पर अंगुष्ठ परिमाण की गणेश तथा शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर दी। पंडित जी ने अपने थैले में से निकालकर एक छोटी थाली में पूजन सामग्री से थाली को सजा दिया। फिर चौक के एक ओर चादर मोड़कर आसन बनाया और सामने कंबल बिछा दिया। द्वार से उस आसन तक आने के लिए गद्दा बिछाकर मार्ग सा बना दिया। उनके कमंडल में गंगा जल था और आते समय वे थोड़े से पहाड़ी फूल चुनकर लाए थे। विनोद को आसन पर बैठाकर उन्होंने उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया और स्वयं उसके पास ही अपना थैला लेकर बैठ गए। मंगलसूत्र और सिंदूर को एक कपड़े में लपेटकर उन्होंने शिव पार्वती के चरणों में रख दिया। विनोद से उन्होंने पूजन कराया तथा सामने कलश के निकट माता कामाख्या का चित्र रखकर विनोद को उनका पूजन व मंत्र जाप करने का निर्देश दिया। गणपति और गुरु मंत्र का जप व पूजन करके विनोद ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। ओम विंध्यवासिनी मंगलकारिणी दया स्वरूपिणी माता कामाख्या देवी
मम कार्ये सिद्धिम देहि देहि स्त्रुण नाशय नाशय दह दह पच पच स्वाहा। सवा घंटे मंत्र जाप करने के बाद उन्होंने पूजन समाप्त करवाया। उस समय रात्रि के 12 बज चुके थे। पंडित जी ने आदेश दिया, अब तुम इसी घेरे में माता कामाख्या का ध्यान करके सो जाओ। यदि कोई सपना दिखाई दे या नवीन अनुभव हो तो मुझे पुकार लेना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जो आज्ञा गुरुदेव। विनोद ने उन्हें प्रणाम किया और उसी चादर पर माता का ध्यान करते हुए सो गया। थकान से उसका शरीर टूट रहा था, इसलिए लेटते ही नींद आ गई। उसे सोता पाकर पंडित जी कंबल के आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हवन कुंड के निकट एक घेरा बनाया था, अपने आसन के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और फिर बैठकर मां कामाख्या का ध्यान करने लगे। 2 घंटे बाद अचानक ही उनकी दृष्टि विनोद पर पड़ी। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे किसी सुगंध को आत्मसात कर रहा हो। उसके मुख पर मधुर मुस्कान थी, पलकों में कंपन हो रहा था। पंडित धर्मानंद ने अपना मंत्र पाठ जारी रखा। वह निरंतर विनोद की गतिविधियों को देख रहे थे। तभी वह उठ बैठा। उसके नेत्र अर्ध निमिलित थे से हो गए। उसके सारे शरीर में गुलाब की भीनी भीनी सुगंध फूटने लगी। उसके अधर हिल उठे। उसके मुख से एक नारी स्वर गूंजा, जैसे कोयल कूक उठी हो, क्यों बुलाया है मुझे? स्वागत है देवी, कृपया मुझे अपना परिचय दे। पंडित जी ने प्रणाम करते हुए पूछा, अपना मंतव्य कहो पंडित। उसका स्वर कठोर हुआ, आप अपना परिचय दें तभी तो मैं आपको जान सकूंगा कि आप वही हैं जिससे मेरा काम होना है। हाँ, मैं वही हूँ, कामिनी, कामिनी नाम है मेरा। वह बस्ती मेरी ही है, मेरा साम्राज्य है वह। इतना छोटा साम्राज्य? पंडित जी ने कहा। छोटा? हाँ हाँ हाँ, छोटा पर सुदृढ़। वहाँ मैं अपनी 2 सखियों सहित रहती हूँ। और तीसरी? उसका क्या हुआ? पंडित जी ने पूछा। मुझे चुनौती दी थी उसने, वह मेरे चयन को छीन लेना चाहती थी, इसलिए मार दिया उसे। और वह युवक मेरे पास है, मेरा प्यार है वह, लेकिन किसी का सिंदूर भी है वह, उसे छोड़ दीजिए। कामिनी जी, उसकी पत्नी अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पंडित जी ने विनय की। यह संभव नहीं है पंडित, वह मेरा है, किसी दूसरे की वस्तु लेना उचित है क्या? आप जैसी मनोहर कामिनी रमणी को किसी की झूठन पर मोह क्यों? क्या बकता है, किसे किसे झूठन कह रहा है? मेरे प्यारे को, जो किसी और के साथ संबंध बना चुका हो वह तुम्हारे लिए पवित्र तो नहीं हुआ ना? धोखा दिया उसने मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसका क्रोधित स्वर विनोद के मुख से निकला। धोखा नहीं, भय। तुमने क्या उससे कभी पूछा कि वह विवाहित है या अविवाहित? नहीं, किंतु उसे तो बताना चाहिए था ना। कैसे बताता? तुमने पहली मुलाकात में ही उसके सम्मुख अपनी सखी को बड़ी ही निर्ममतापूर्ण मार दिया। भयभीत था वह, फिर भी वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसकी सुरक्षा के विचार ने ही उसे मौन रहने के लिए विवश किया है। वह अपनी पत्नी से प्यार करता है? तुम उसे? नहीं, झूठ है यह, यह सत्य है कामिनी, इसे स्वीकार करो। यदि वह अपनी पत्नी से प्रेम न करता होता तो तुम्हें उसके विषय में अवश्य बता देता। उसे भय था कि कहीं तुम उसे कोई हानि तो नहीं पहुंचाओगी, इसलिए अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए वह चुप रहा और तुम्हारे साथ रहा। सच तो यह है कि वह अभी भी अपनी पत्नी का ही प्यार है, जो उसकी प्रतीक्षा में अभी तक विरह के दिन काट रही है। चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र में बहुत शक्ति होती है। प्यार त्याग मांगता है कामिनी, बलिदान चाहता है। तुमने तो उसे डरा कर विवश करके अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया है। यह कैसा प्यार है कामिनी, जो किसी को बंदी बना ले, उसके घर संसार से दूर कर दे। मोह है तुम्हें उससे, प्रेम नहीं, शायद सत्य कह रहे हो तुम। कहते कहते वह नारी स्वर उदासी से भर गया। शांत होकर मनन करो,
यदि मेरी सहायता चाहो तो, पंडित धर्मानंद ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। तुम मेरी सहायता कर सकते हो, अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आँख पर से मोह का पर्दा हटा दिया, मैं तो अपना लक्ष्य ही भूल गई थी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? बताऊंगी यदि तुम मेरी सहायता करने का वचन दो। यदि मेरी सामर्थ्य में हुआ तो अवश्य मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मुझे अपने विषय में तुम निर्भय होकर बता सकती हो। तुम्हारे न्यायोचित कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यह मेरा वचन है कामिनी। तो सुनो पंडित, हमारी गुरु एक वृद्धा जादूगरनी थी। उसने हम चारों सखियों को भिन्न भिन्न स्थलों से उठाया था, कैसे यह मैं नहीं जानती, कहाँ से यह भी मुझे नहीं मालूम। हमारा बचपन उन्हीं के पास बीता बचपन, वे हमें तरह तरह के जादू सिखाती रही। उनके जादू में तंत्र मंत्र का अधिक प्रयोग होता था, वे हाथ की सफाई मात्र नहीं होते थे, जैसे जैसे मनुष्य को पशु पक्षी में बदल देना और पशु पक्षियों को मानव या इतर योनियों में बदलना। निर्जीव वस्तुओं कंकड़ पत्थर लकड़ी वृक्ष आदि को सजीव बना देना, जादू से स्वर्ग नर्क आदि के दृश्य दिखाना आदि आदि। ओह, जब हम बड़ी हो गई तब हमारी गुरु माँ वृद्धा हो गई। एक दिन उन्होंने हमें बुलाकर कहा कि उनका कुल शापित है। वह स्वयं भी उसी प्रकार अपने गुरु के पास आई थी जैसे हम सब उनके पास आए हैं। वे चाहती थी कि वह शाप छूट जाए, परंतु उसके लिए उन्हें कम से कम 4 अलग अलग कुल की कन्याओं का गुरु बनना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने हमें अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया और जादू में पारंगत बनाया। जब हमने उनसे शाप मुक्त होने का उपाय पूछा तब वह बोली, तुम लोग अपने जादू के प्रभाव से विभिन्न पुरुषों को अपने प्रेम नहीं मोह के जाल में फंसाकर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास में लेकर उनके माध्यम से माँ कामाख्या का अम्बुवाची पर्व पर प्राप्त होने वाला रक्त रंजित वस्त्र अवश्य प्राप्त कर लेना। वही वस्त्र इस शाप को नष्ट करने का आधार बनेगा। तो तुमने अब तक वह वस्त्र प्राप्त क्यों नहीं किया कामिनी? पंडित जी ने उसे गहरी दृष्टि से देखते हुए पूछा। हम अपने जादू के प्रयोग से इस प्रकार मुग्ध हो गई कि फिर उस शाप की बात ही भूल गई। मेरी एक सहेली ने मेरे चयनित पुरुष को प्राप्त करने की कुचेष्टा की तो मैंने उसे मृत्युदंड दे दिया। इससे भयभीत होकर अन्य दोनों ने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मैं इस राज्य सुख में डूब गई। आज तुमने मेरे लक्ष्य की याद करा दी, अब तुम्हें ही मेरी सहायता करनी होगी। तुम वचन दे चुके हो, मैं अपने वचन से टालूंगा नहीं। कामिनी, तुम अपने प्रिय को मुक्त कर दो और अन्य जो भी मानव तुम लोगों के द्वारा जादू से पशु पक्षी बनाकर रखे जा रहे हैं उन सभी को उनके पूर्व रूप में बदलकर अपने जादू से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें अम्बुवाची पर प्राप्त होने वाले माँ का प्रसाद वह अम्बुवाची वस्त्र अवश्य उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं उन सभी को मुक्त कर दूंगी। तब तुम मेरे पास आना, तुम्हारी वांछित वस्तु तुम्हें उसी समय मिल जाएगी। यह सत्यमार्गी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का वचन है, अब तुम जाओ। कहकर पंडित जी ने मंत्र सिद्ध सरसों के दाने विनोद के ऊपर फेंक दिए। उसने एक बार पलके झपका कर उनकी ओर देखा और पुनः लेट कर सो गया। 3 बज चुके थे। पंडित जी भी वहीं माई का स्मरण कर विश्राम करने में के लिए लेट गए। कामिनी ने अपना वादा पूरा किया। ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी ने संध्या वंदन किया। उसके बाद वे बाहर होते हुए कोलाहल को सुनकर क्वार्टर से बाहर आए। तब उन्हें लगभग 20 पुरुषों ने घेर लिया। कई तो उनमें से अधेड़ अवस्था तक पहुंच चुके थे। उनमें सबसे आगे वीरेश था और उसके साथ ही एक अनिंद सुंदरी। प्रणाम करती हूँ पंडित जी, उसके स्वर से पंडित जी ने उसे तत्काल पहचान लिया। वह कामिनी थी। तुम कामिनी हो ना, उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है, वह बोली।
पंडित जी ने उसी समय अपनी झोली में से निकालकर वह रक्त वर्ण वस्त्र रूपी प्रसाद कामिनी के हाथ पर रख दिया। अचानक ही जैसे बिजली चमकी, तेज प्रकाश से उसके नेत्र मूंद गए। क्षण भर की चकाचौंध के बाद जब पंडित जी के नेत्र खुले तब वहाँ कामिनी नहीं थी। उस समय विनोद अपने पिता को उन पुरुषों में पहचानने का प्रयास कर रहा था। आगे आओ वीरेश, यह तुम्हारा पुत्र विनोद है, तुम सबका उद्धार करता। भीड़ से निकलकर वीरेश आगे बढ़ा। विनोद ने उसके पैर छुए तो उसने उसे सीने से लगा लिया। पंडित जी ने अपना सारा सामान समेट कर झोली में रखा। मंगलसूत्र तथा सिंदूर की पोटली वीरेश के हाथों पर रखकर उन्होंने आज्ञा दी, यह अपनी पत्नी को पहना देना, अब कभी तुमको वियोग की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी। यह तुम्हें माँ कामाख्या का तथा मेरा आशीर्वाद है। वीरेश ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अन्य सभी व्यक्तियों को गांगुली महोदय के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सभी उनके सगे संबंधियों के पास उनको भिजवा देंगे। अब हम चलें गुरुजी? विनोद ने पूछा। अवश्य वत्स, चलो, पंडित जी मुस्कुराकर कहने लगे। वीरेश, विनोद और पंडित जी लौट पड़े। वीरेश की एक माह की छुट्टी गांगुली महाशय ने तत्काल ही मंजूर कर दी थी। लौटते समय उन्होंने उस बस्ती की ओर देखा। उन सभी झोपड़ियों के स्थान पर राख पड़ी थी। वे सब झोपड़ियाँ भस्म हो चुकी थी। जय माँ कामाख्या, जय हो जगत जननी जगदम्बा।